देखिए हमारी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है जिसमें लाखों किसान भाग लेंगे और वहां से मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड का ऐलान होगा और इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचेंगे, कम से कम 20 लाख किसान वहां पहुंचेंगे और मोदी सरकार के पैर चौड़े हो जाएंगे। मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, मोदी सरकार को किसानों के बीच में माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हमारे किसानों की दोनों मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम दिल्ली के बॉर्डरों पे जमे रहेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश होगा, मिशन उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक एक गांव तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और जब एक एक व्यक्ति की आवाज़ होगी कि मोदी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, सबकी आवाज़ होगी कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, उस समय पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा तो मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है, हमारा किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था उसी तरीके से किसानों का निशाना दिल्ली के बॉर्डरों पे है, किसानों का निशाना तीनों काले कानून रद्द कराने और MSP गारंटी कानून लागू करवाने पे है। जो योगी सरकार किसानों का अपमान करती है कार्टून छाप के, किसानों को कहती है कि बक्कल तार देंगे, पर्चे लगा देंगे, तो उस योगी सरकार का, उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घमंड तोड़ना तो जरूरी हो गया ना भाई। अब तो हमारी मजबूरी होगी उनका घमंड तोड़ना। अरे देश के अन्नदाता किसानों के बारे में इतने अपमानजनक शब्द कि उस कार्टून में दिखा है कि योगी यानी मुख्यमंत्री एक किसान के बाल, उसके बाल पकड़ के घसीट के लेकर जाने लग रहा है। इतना अपमान देश में, जिस किसान को भगवान से भी ऊपर बताया गया उसका अपमान करोगे या उम्मीद करोगे हम चुप रह जाओगे? भाई चुप तो नहीं रहेंगे, जवाब दिया जाओगा, करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबक सिखाओ। देखो ना तो पहले खत्म हुआ था, ना आंदोलन अब खत्म होगा। आंदोलन खत्म होगा, किसान की तीनों काले कानून रद्द होंगे, MSP पे गारंटी बनेगी, तब आंदोलन खत्म होगा। तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जो आंदोलन को आप कह रहे तेजी देने की बात, जो ये पंचायत होगी इसमें आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी और सरकार को घुटनों के बलाना पड़ेगा। मेरे साथ हैं अभिमन्यु कुवाड़, आज पानीपत के बबैल गांव में पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे। लगातार किसान आंदोलन अभिमन्यु जी लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है और उसको लेकर के जहां सरकार की तरफ से कोई इस तरह से इशारा नहीं, आपकी तरफ से किसान संसद भी चलाई गई, अब गांव-गांव जाया जा रहा है, 5 राज्य में चुनाव है, अब किस तरह से रणनीति तैयार कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा? देखिए हमारी 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है जिसमें लाखों किसान भाग लेंगे और वहाँ से मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड का ऐलान होगा और इतनी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे, कम से कम 20 लाख किसान वहाँ पहुँचेंगे और मोदी सरकार के पैर चौड़े हो जाएंगे। मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, मोदी सरकार को किसानों के बीच में माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हमारे किसानों की दोनों मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे रहेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश होगा, मिशन उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक एक गांव तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और जब एक एक व्यक्ति की आवाज़ होगी कि मोदी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, सबकी आवाज़ होगी कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, उस समय पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा तो मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। और इन किसान अन्नदाताओं से, जो किसान भगवान है, जो किसान इस पूरे देश का करता अपना पेट चीर के, उस किसान से माफी मांगनी पड़ेगी मोदी सरकार को। राजनीतिकरण कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो किसान आंदोलन है लगातार राजनीति की तरफ रुख कर रहा है। इसका इशारा जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा भी कहा गया था, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाल दिया था। अब मिशन पंजाब बंगाल में इस तरह का मिशन नहीं लेकर के गए, अब यहाँ पर मिशन बनाने की क्या जरूरत है? 5 राज्यों में चुनाव है। देखिए बंगाल में जो हमारा मिशन था वो क्या था पहले वो समझना जरूरी है। वो मिशन ये था कि जो सरकार किसानों के खिलाफ काम करती है उस सरकार को सबक सिखाना है, लोगों को जागरूक करना हमारा मिशन था। तो वहाँ पे हमने लोगों को जाके जागरूक किया, मोदी सरकार किसानों के खिलाफ क्या क्या कदम उठा रही है वो सबको हमने बताया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाके बताएंगे कि भाई सरकार ने किसानों के खिलाफ ये काम करे हैं, उसके बाद किसान तय करेंगे किसे वोट देना है किसे वोट नहीं देना है। और देखो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, वे किसान हमारे 80 करोड़ किसान परिवार का हिस्सा हैं, तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको तो जाके हम बताएंगे ना कि भाई सरकार ने क्या क्या गलत काम किया आपके खिलाफ, तो ये करने का हमें अधिकार है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राजनीतिकरण की, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है, हमारा किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था उसी तरीके से किसानों का निशाना दिल्ली के बॉर्डरों पे है, किसानों का निशाना तीनों काले कानून रद्द कराने और MSP गारंटी कानून लागू करवाने पे है।
और जहाँ तक आपने बात करी एक नेता के बारे में गुरुनाम सिंह जी के बारे में, उन्होंने बाद में अपना स्पष्ट किया भाई उनका राजनीति में जाने की कोई मंशा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का उनसे कोई लेना देना नहीं है मुख्यमंत्री पद से। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो तन से मन से धन से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन को लड़ेंगे और इस आंदोलन को जीत के ही दम लेंगे। तो जब उन्होंने साफ कर दिया है तो मेरे ख्याल से अब सारी बातों में पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अब रैली जो की जा रही है इसको बीजेपी के विरोध में लोगों को जागरूक करने, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक है, लाजमी है, ये सवाल भी उठेंगे, तो इस तरह से कैसे यूपी में फतेह जो है किसान करेंगे, ऐसे में कैसे घुटने सरकार के टिकाएंगे? 8 महीने हो चुके हैं कुंवर से। देखो, जो सरकार हमारा गला काटेगी, जो पार्टी हमारे गला काटेगी, तो हमारी कौम जिंदा कौम है। जवाब देना जिम्मेदारी भी है, जवाब देना मजबूरी भी है, जवाब देंगे और ठोक कर जवाब देंगे। जो योगी सरकार किसानों का अपमान करती है कार्टून छाप के, किसानों को कहती है कि बक्कल तारे देंगे, पर्चे लगा देंगे, तो उस योगी सरकार का, उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घमंड तोड़ना तो जरूरी हो गया ना भाई। अब तो हमारी मजबूरी होगी उनका घमंड तोड़ना। अरे देश के अन्नदाता किसानों के बारे में इतने अपमानजनक शब्द कि उस कार्टून में दिखा है कि योगी यानी मुख्यमंत्री एक किसान के बाल, उसके बाल पकड़ के घसीट के लेकर जाने लग रहा है। इतना अपमान देश में, जिस किसान को भगवान से भी ऊपर बताया गया उसका अपमान करोगे, रिया उम्मीद करोगे हम चुप रह जाओगे? भाई चुप तो नहीं रहेंगे, जवाब दिया जाओगा, करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबक सिखाओगे। राकेश टिकैत जी भी कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे, इस तरह के शब्दों का तो वो भी सरकार के लिए प्रति ऐसे रखते हैं। राकेश टिकैत जी जो बात कहते हैं एक नॉर्मलाइज वे में कहते हैं, हमने कभी कार्टून नहीं छापा, हमने किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करा, कदे उन्होंने किसी का नाम लेकर टारगेट नहीं करा, लेकिन उस कार्टून में मुख्यमंत्री किसान के बाल पकड़ के उसने घसीट के लेकर जान लग रहे हैं। वो तो एक नॉर्मल जो देहाती भाषा है, उस देहाती भाषा में टिकैत साहब कहते हैं, वो उस तरीके से किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट से। तो डिंपू जी क्या 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 कुछ लगता है 8 महीने होने के बाद अब कुछ सरकार रुख अपनाएगी, कुछ नरम पड़ने वाला है, ऐसे में लगता है कुछ जीत है किसानों की? पहले तो मैं आपको उस बात का स्पष्टीकरण कर दूं जो आपने बक्कल तारने वाली बात कही है। टिकैत साहब ने बक्कल तारने की बात उस टाइम पे कही थी जब 26 जनवरी को किसान आ रहा था, और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ बॉर्डरों पे पंजाब में किसान को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, उनको मार के वापिस भगा जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था किसान को रोकने की कोशिश की तो उसका बक्कल तार दिया जाएगा। किसी आदमी का नाम उन्होंने नहीं लिया था पर्सनल, उन्होंने ये कहा था अगर किसान को रोकने की कोशिश की तो बक्कल तार दिया जाएगा। अब सरकार को किस तरह से घेरेगा किसान? अब मुजफ्फरनगर में जो है रैली का ऐलान किया है, आज गांव में नोता देने पहुंचे हैं आप, किस तरह से लगता है कि अब रुख और भी बढ़ेगा किसान आंदोलन का, जो लगातार किसान आंदोलन का जो लगातार 8 महीने से एक बार ये कहा जा रहा था कि अब खत्म होता जा रहा है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखो, ना तो पहले खत्म हुआ था ना आंदोलन अब खत्म होगा। आंदोलन खत्म होगा, किसान की तीनों काले कानून रद्द होंगे, MSP पे गारंटी बनेगी, तब आंदोलन खत्म होगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जो आंदोलन को आप कह रहे तेजी देने की बात, जो ये पंचायत होगी इसमें आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी और सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा 100%। बिल्कुल नेताजी, आखिरी सवाल, आपके गांव में जो है आज किसान नेता पहुंचे हैं और आज आपसे ये भी कहा गया है कि कितने आदमियों को जो है मुजफ्फरनगर किसानों को किस तरह से आप गांव से लेकर के जाने वाले हैं, आप किसान मोर्चा में भी हैं और लगातार किस तरह से देखते हैं आप? मेरे गांव से ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे। अच्छा। कम से भी 51 गाड़ी तो 100% जाएंगी, इससे ज़्यादा तदम कुछ कह नहीं सकता। और तन मेरा तो मेरा है बेटे, मेरे बेटे पूछे है, इनका नाश निश्चित है, जैसे मैंने इनको पैदा किया था वैसे इनका विनाश करूंगा। दर्शकों को बता दे, बीजेपी में वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और उन्होंने किसानों का जो है दामन जो है किसानों की अब लड़ाई लड़ने के लिए अब लगातार अग्रिम पंक्ति में है। नेताजी आज जो है यहाँ पर स्टेज पर भी रहे और उनका क्या कहना है इस बारे में? 42 साल राजनीति, बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क रहे, तन मन धन से बीजेपी, अब जो है आज ऐसे क्यों कड़वाहट लग रही है आपको? अब क्यों लग रहा है कि ये किसानों के हितैषी में नहीं है जिसको लेकर के आंदोलन लगातार? किसान को हिंदुस्तान के अंदर किसान को मुसलमान से भी दुश्मन मानती है ये पार्टी, इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा है। ये किसान को का कभी भला कर नहीं सकते, ना इनके खाते में है। जब मैं बीजेपी में रहा उस टाइम में, जब लोगों में निकला तो लोग मेरे को ये कहते थे, छोरे तू कड़े इस व्यापारी पार्टी में बढ़ गया। मैंने कहा अर्धा, यू डिंपू मेरा पोता है, यू व्यापारी है, यू कुंवर मेरा लड़का व्यापारी है, यू जीती व्यापारी है, मैं व्यापारी हूं ना, फिर विश्वास करो।
मेरे भर के 50 लड़के हरियाणा में इस गांव गांव में घूमे थे, जब इन पापियों को युवराज दिया था। हमने नहीं पता था कि ये पाप इस प्रदेश पर, इस देश पर इतना बड़ा होगा। और नरेंद्र मोदी वर्गा झूठा प्रधानमंत्री ना धरती पर आया और ना आओगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और यहाँ पर गांव बबैल के अंदर जो है किसान नेता है जो है अभिमन्यू कुहाड़ और डिंपू अलावत, और साथ के साथ यहाँ पर कहा कि अब मुजफ्फरनगर में जो रैली किसानों की होने जा रही है उसको लेकर न्योता देने पहुंचे थे, और साथ के साथ कृषि कानूनों में काला क्या है इसको लेकर भी तमाम बातों पर यहाँ चर्चा हुई। तमाम जो है जानकारी हम आपको देंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।